आज की कथा के मध्य में परमात्मा के स्वरूप में महात्मा परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चक्र महामेरु पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी इस कथा के और इस यज्ञ के संरक्षक हैं और आपके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा है। परम पूज्य श्री कांची पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा का प्रवाहन करने वाले पूज्य श्री छत्तीसगढ़ बिलासपुर की धरती में सनातन धर्म का झंडा छत्तीसगढ़ में धर्म विरोधियों की ठठरी बारने वाले पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। पहले उनकी वाणी का आशीर्वचन लेंगे, इसके बाद कथा कहेंगे और कथा के बाद फिर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत्ताचार्य पर्यंता मंदे गुरु परंपराम अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांतरूपिणम श्रीचंद्र शेखर गुरुम प्रणमामि बुधान्वहम सिया राम मय सब जग जानी करब प्रणाम जोर जुग पानी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, सद्गुरुदेव भगवान की। इस यज्ञ कथा अनुष्ठान में आने वालों की, नहीं आने वालों की, टीवी मोबाइल में सीधा बैठ के घर में सुनने वालों की, नहीं सुनने वालों की, सबकी जय हो। बड़े हर्ष का विषय है, हमारी महाराष्ट्र का ये जो धरती है, भंडारा के अंतर्गत ये जो गांव क्षेत्र बहुत धन्य है। कथा इस गांव में जरूर हो रहा है, लेकिन लगभग सभी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से, मुंबई से, नागपुर से, बहुत दूर दूर से कथा श्रवण करने और महाराज जी की दर्शन करने पधारे हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं, हमारा मेरा प्रेमी मेरा बच्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं, सभी पागलों की जय हो। महाराज जी हम भी आप ही का पागल है, हम भी हो गए बागेश्वर धाम का पागल। अब पागल पागल इकट्ठा हो गए तो सब पगला गए, क्या करें। हम उनकी मुख से वाणी से हम कथा श्रवण करने बैठे हैं। प्रेमियों जब हम यहाँ पहुंचे, हमको सुनने में आया यहाँ बहुत सारी नया नया पंथ उत्पन्न हो गया है, कोई परमात्मा पंथ हो गया, कोई दूसरा हो गया, कोई धर्मांतरण बहुत हो रहा है। प्रेमियों आज तक हमारा भारतवर्ष का इतिहास है, सनातन संस्कृति का जो हमारा सनातन धर्म है, इसको हिलाने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए अभी तक कोई माई की लाल यहाँ पैदा नहीं हुआ। जब तक बागेश्वर महाराज जी जैसा संत महापुरुष जैसा इस धरती में कथा प्रवचन मार्गदर्शन की माध्यम से हमारा सनातन धर्म के लिए जो मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, हमारा सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए कोई माई की लाल पैदा ना हुआ है ना हो सकता। भगवान राम ने भी अवतार लिया, उसी समय में रावण का भी राज था। स्वाभाविक बात है, जहां धर्म की ध्वजा फहराते वो वहां अधर्मियों को वोना भी जरूरी है, क्योंकि अधर्मी और विधर्मी नहीं होते हैं तो हमारा धर्म की ध्वजा का ऊंचाई पता नहीं चलता। इसीलिए प्रेमियों ये अधर्मी लोग जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन हमारी देश के लिए, हमारी भारतवर्ष के लिए ये अधर्मी जो है धीमक जैसा है, धीरे धीरे काटेंगे। महाराज जी ने बहुत अद्भुत बात कही, हमको भीड़ ऐसा चाहिए जो हमारी मंदिर में भीड़ हो। प्रेमियों मंदिर में मात्र नहीं, हमारी घर घर में हमारी सनातन धर्म की गूंज हो,
महाराज जी की कथा श्रवण करने से हनुमान जी और राम जी भगवती की पूजा हर घर में हो, हर घर में अपनी कुल देवता और पितरों की, माता पिताओं की पूजन, गुरुओं की पूजन का प्रथा पर हमेशा बना रहे, यही इस आयोजन से हमको संकल्प लेना चाहिए। हम यदि एक हो गए सनातन धर्म की, हम हिंदू के लोग सब एक हो गए, तो भारत को विश्व गुरु बनने के लिए रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ। हमको एकता का जरूरत है। हम एक हो गए, हम और आप मिलके संकल्प लेंगे, हमारी भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, हमारी सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। आदिशंकर भगवत पाद आचार्य ने भारत में अवतार लेके सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, मेरा पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जिनको परमाचार्य के नाम से जाना जाता था, वो उस महाप्रभु ने, उस दिव्य मूर्ति ने भारत में 3 बार पैदल यात्रा करके गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र भ्रमण करके सनातन धर्म को पुनः स्थापना करने की बहुत प्रयास किया। उनकी कृपा से आज पूरी देश में सनातन की ध्वजा फहरती है। प्रेमियों, इस क्षेत्र अपने आप में धन्य क्षेत्र है, जहां पंडरपुर है, जहां तुलजा भवानी है, ऐसा दिव्य स्थान इस महाराष्ट्र में, ज्योतिर्लिंगों का भी स्थान है, ऐसा दिव्य धरती में आज बागेश्वर महाराज का कथा अम्मा और आप सुनने आ रहे हैं। धन्य है ऐसी जजमान जिन्होंने इस कथा के लिए अपनी जीवन का आर्जी किया हुआ पूरा धन को खर्च कर दिया। मैं इस मंच से उस जजमान को आशीर्वाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मंच में खर्चा किया धर्म के लिए। उनके लिए बागेश्वर बालाजी की आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से 100 गुना उनकी घर का भंडारा भरे। और यहाँ जितनी आए हैं दरबार के लिए हो, कथा के लिए हो, और जहां हम रुके हैं वहां की भक्त हो, श्रद्धालु हो, सभी की घर की झोली काली नहीं जाएगी, किसी का भी घर की झोली काली नहीं जाएगी। प्रेमियों, हमारा बड़ा अद्भुत समय है। हम अपनी जीवन को बहुत सारी अनावश्यक चीजों में जीवन को समय बिताते हैं। हमको ऐसी सत्संग में समय ज्यादातर बिताना चाहिए, सत्संगियों के साथ रहना चाहिए। शंकर भगवत पादाचार्य कहते हैं, रामायण में भी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। सत्संगत्वे नित्संगत्वम, नित्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति ही। मनुष्य का जीवन मुमुक्षुत्व मोक्ष पाने के लिए हुआ है। प्रेमियों, यदि हमको मोक्ष चाहना है, पुनर्जन्म नहीं होना है, तो इस जन्म में अपने आप को कृतार्थ बनाइए, जीवन को धर्म से जुड़िए। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है उसका अधर्म बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी भावनाओं के साथ इस दास को भी, छोटा सा इस शरीर को भी आपने सम्मान दिया, यहाँ तक बुलाया, मेरा आत्मा का प्रसन्नता को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं महाराज जी की कथा सुनने आया हूँ। हम और आप मिलके जल्दी उनकी कथा सुनेंगे। उनकी वाणी से हम और आप हृदय को, शरीर को, तन को, मन को पवित्र बनाएंगे। इसी कामनाओं के साथ आशीर्वाद, साधुवाद, मंगल कामना। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, बागेश्वर धाम की, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। मुझे लग रहा है सब भूखे बैठे हैं, इसलिए आवाज कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। जो तेज आवाज से बोलता है प्रेमियों, उसकी जीवन कृतार्थ हो जाता है। जो धीमे बोलता है, महाराज जी बोले, पाप अंदर घुस जाता है। इसलिए हम पापी ना बने, पुण्यात्मा बने। सबको साधुवाद, आशीर्वाद। नारायण नारायण। परम पूज्य श्री कांची पीठ वाले शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। परम पूज्य
पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हम सब बड़े भाग्यशाली, पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लिया।